हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं अभिषेक भार्गव भार्गव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है फरवरी करंट अफेयर टॉप 20 क्वेश्चन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आप लोगों के आगामी एग्जाम के लिए, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। कभी कभी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो काम नहीं करता, तो आप लोग को टेलीग्राम ऐप जो है डाउनलोड करना है, उसके अंदर भार्गव क्लासेस आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा और आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फरवरी माह के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले वही एक बात कि अगर अभी तक आप लोगों ने भार्गव क्लासेस की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि विश्व शासन सम्मेलन WGS 2019 कहाँ आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया है दुबई के अंदर में। यहाँ आंसर ठीक है, तो दुबई के अंदर में जो है ये आयोजित किया गया था विश्व सरकार के शिखर सम्मेलन का, इसको छठा संस्करण है ये, ठीक है। 11 फरवरी 2018 को दुबई में आयोजित किया गया था और इसमें जो है मुख्य अतिथि जो थे वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने उद्घाटन किया था। तो आपको ये सब पॉइंट याद रखना, जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो ये सब पढ़ लीजिएगा। कौन सा राज्य जो है राज्य निर्माण हेतु नदी के रेत के विकल्प के रूप में एम सैंड को बढ़ावा दे रहा है, तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है एम सैंड को बढ़ावा दे रहा है, तो ये भी पॉइंट आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वहां से इंपॉर्टेंट ये आपको मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने 12 फरवरी 2019 को किस जगह पर श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कुरुक्षेत्र में रखी है। कहां पर रखी है, कुरुक्षेत्र में। चौथा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी को किस जगह पर क्रेडाई युथकॉन 2019 को संबोधित किया था, ये किया है नई दिल्ली में, ठीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2019 को ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में क्रेडाई युथकॉन को संबोधित किया है इन्होंने, ठीक है। तो आपको ये पढ़ लेना है इसके बारे में, ठीक। पांचवा प्रश्न है कि भारत ने निम्न में से किस देश के साथ मिलकर 11 फरवरी 2019 को समुद्री प्रदूषण पहल की शुरुआत की है, तो ये किया है नॉर्वे के साथ में। किसके साथ में, नॉर्वे के साथ। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 11 फरवरी 2019 को नॉर्वे के विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर भारत नॉर्वे समुद्री प्रदूषण पहल की जो है शुरुआत किया, ठीक है। और आशय पत्र जो एमओयू होता है उसके ऊपर में हस्ताक्षर किए। अब्देल फताह अल सीसी जो अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो ये मिस्र देश के राष्ट्रपति। याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। छठवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है कि बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2019 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, तो इसके बारे में शायद मैंने आपको बताया हुआ है लेकिन फिर भी एक बार फिर बता देता हूं। तो यह है बी रोमा, ठीक है। क्या है, रोमा, इसका सही आंसर है रोमा, ठीक। इंडस्ट्री 4.0 जो हाल ही में खबरों में था का संबंध किससे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका संबंध था ऑटोमेशन से। तो देखिए उद्योग जिसको इंडस्ट्री कहते हैं 4.0, इंडस्ट्री 4.0 अथवा चौथी औद्योगिक क्रांति एक सामूहिक शब्द है जो बहुत सारे समकालीन स्वचालन डाटा एक्सचेंज तथा विनिर्माण प्रौद्योगिकी को समाविष्ट करता है। यह उन प्रौद्योगिकियों और मूल्य श्रृंखला संगठन की अवधारणाओं के लिए परिभाषित एक सामूहिक शब्द है जो साइबर भौतिक प्रणालियों यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा इंटरनेट ऑफ सर्विसेज को एक साथ लाते हैं, ठीक है, ऑटोमेशन, ठीक। उद्योग 4.0 स्मार्ट फैक्ट्री के निष्पादन और दृष्टिकोण को सुगम बनाता है। तो इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा फिराकर दिया जा सकता है। राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह 2019 की अवधि क्या रही, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की ओर से पूरे देश में 12 से 18 फरवरी तक उत्पादकता सप्ताह मनाया गया, तो इसका सही आंसर होगा 12 से 18 फरवरी। देश में कौन लोग सम्मान मार्च मतलब डिग्निटी मार्च का आयोजन कर रहे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको मालूम होगा, आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा तो आपको मालूम होगा थोड़ा सा। तो ये है बलात्कार व यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाएं, ठीक है, इसका आंसर सही आंसर है, तो ध्यान रखिएगा। 11 प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने गंगा एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है, इसकी लंबाई क्या होगी, तो देखिए इसकी लंबाई जो है वह है 600 किलोमीटर। अब इसके बारे में थोड़ा सा सुनिएगा। कुंभ में कैबिनेट बैठक के बाद सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान, प्रयागराज से मेरठ। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहां से कहां तक, तो प्रयागराज से मेरठ तक बनेगा 600 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे। 4 लेन के एक्सप्रेसवे पर 36,000 करोड़ की अनुमानित लागत है, ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान रखना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, जब भी डाउनलोड करेंगे आप पीडीएफ तो यहाँ आईएमपी टिक लगा लीजिएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी ग्लोबल करप्शन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 78वां रैंकिंग है भारत का। कौन सा नंबर का रैंकिंग है, तो 78वां रैंकिंग है भारत का। दुनिया भर के 180 देशों की सूची में भारत 3 स्थानों के सुधार के साथ 18वें पायदान पर पहुंच गया है। तो आपको याद रखना 78वें पायदान, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी ग्लोबल करप्शन इंडेक्स में। करप्शन का मतलब आप समझते ही हैं।
13वां प्रश्न है कि कॉर्नोट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे। तो ये मैंने आपको दो तीन बार बताया है, सम्मान पुरस्कार के अंदर भी बताया है, आज फिर से बताता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। तो वो है पीयूष गोयल, ठीक है, पीयूष गोयल को कॉर्नोट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे नौसेना का वाइस चीफ नियुक्त किया गया, ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये है जी अशोक कुमार। किनको नियुक्त किया गया, जी अशोक कुमार को। 15वां प्रश्न है कि 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट किसने पेश किया। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अंतरिम बजट किसने पेश किया है अरुण जेटली के गैर मौजूदगी में, तो ये पूरा का पूरा एक वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, तो आप अंतरिम बजट के पूरे क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है पीयूष गोयल ने जो है पेश किया, ठीक है। केंद्र सरकार कितने रुपए से कम मासिक आय वाले श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू करेगी, तो ये है 15,000 से कम। इस योजना की घोषणा अंतरिम बजट में की गई है जो असंगठित क्षेत्र के 15,000 रुपए प्रतिमाह कमाने वाले कामगारों के लिए है, ताकि 60 साल की उम्र के बाद में 3,000 रुपए मासिक पेंशन प्राप्त कर सके। और भी थोड़ा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 17वां प्रश्न है न्यूयॉर्क टाइम्स ट्रेवल्स शो 2019 में किस देश ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार जीता है, तो ये जीता है भारत देश ने। किसने जीता है, भारत ने, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। 18वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ इंडिया के साथ साझेदारी में जीवन संपर्क परियोजना शुरू की है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसका, तो ये किया है उड़ीसा ने। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह के बीच राज्य सरकार के विकास और कल्याणकारी पहलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यूनिसेफ इंडिया के साथ साझेदारी में जीवन संपर्क परियोजना की घोषणा की है। पटनायक द्वारा आदिवासी मेले के रूप में प्रसिद्ध वार्षिक आदिवासी मेले का उद्घाटन करने के बाद ये घोषणा की गई है, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, ठीक है। 19वां प्रश्न है कि कोलंबिया देश में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये नियुक्त किया गया है 2019 को भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी संजीव रंजन को। किसको किया गया है, संजीव रंजन को केंद्र सरकार द्वारा कोलंबिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, ठीक है। 20वां प्रश्न एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 4 फरवरी को यूएई की ऐतिहासिक यात्रा पर आने वाले पहले पोप कौन बने, तो पहले इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पहले पोप बने हैं पोप फ्रांसिस। कौन बने हैं, पोप फ्रांसिस, तो ये आपको याद रखना है, पोप फ्रांसिस, ठीक। उसके बाद 21वां प्रश्न है कि वार्षिक पुलिकट झील दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आंसर दीजिएगा, पुलिकट झील कहां पर है वो भी बताइएगा, और ये कब दिवस इसका मनाया जाता है वो भी आप लोग को बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और जरूर एक बार देख लीजिएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि यहीं से प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि इतने करंट अफेयर होते हैं और पर डे इतने करंट अफेयर होते हैं, तो उसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर निकालना और आपके एग्जाम में कौन सा करंट अफेयर पूछा जाना है, ये हम लोगों के हाथ में नहीं होता। हमारे हाथ में सिर्फ ये होता है कि हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दे दें, ताकि आप लोग वो पढ़ सके, ठीक है, और याद कर सके, और ताकि एग्जाम में आए तो आप बना सके, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि ये 20 करंट अफेयर मैंने करा दिए मतलब यहीं से आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जहां जहां से जो जो डाटा मिलता है वो आप पढ़ते रहिए, जो जो आपको मटेरियल मिल रहा है, करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, वो आप पढ़ते रहिए, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये प्रश्न का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था, जय हिंद।